Hey, what's up, people? Welcome back to the channel again with the Big Boss Season 16. जो कि अभी नहीं गया सलमान खान का जो शुक्रवार का जो वार था तो वहाँ पे दिखे नहीं थे मेरे को सलमान खान कुछ बीमार वगैरह पड़ गया इसलिए नहीं गया. करण जोहर को बुलाया होस्ट करने के लिए तो वो वाला मैं सीजन वो वाला एपिसोड जो है मैं मिस नहीं करना चाहता. तो उसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है. ड्रामा ही होगा, फाइट होगा, देखते देखने के बाद पता चलेगा. ठीक है, तो लेट्स गेट इट मैन. चाय वो चॉकलेट बहुत मजे है. Who giving for you? Chocolate. इक्कीसवां दिन सुबह 9:15 बजे. यानी फिर है, मुझे लग रहा उठ जाओ उठ जाओ. चलो अब कोई वो नहीं रहेगी. चलो उठो मान्या, उठ जाओ निमृत प्लीज. आंखें खुली हुई है, चार बारे चलाने से कुछ नहीं होगा. नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना. बर्दाश्त करने की नहीं तो क्या. हाँ तो सुन तो लो मेरी बात. एक ही चीज को 50 बार मत दोहराओ. मैं भी तुम्हें 50 बार सुनाऊं क्या कि मेरी अपर बैक. नहीं मेरा ये कहना है आप उठो चाय पियो और वो डस्ट. बोलते ना टारगेट करते हैं ना सब लोग को. मतलब एक ऐसा बंदा रहता है जो हर एक गेम में बिग बॉस में जो कि अर्चन है. मुझे ऐसा लगता है बेसिकली क्योंकि या जब से कैप्टन बनी है ना तब से बहुत सारे लोग हैं ना इसको टारगेट कर रहे हैं ना क्या कि अभी ये जो कैप्टनसी है ना कैसे निभाती है. बहुत सारे लोग चॉकलेट वॉकलेट चुराए थे अभी. फल फ्रूट जितना भी सामान था ग्रोसरी का सब अपने अपने रूम में रखा था. वो वाला भी एपिसोड है मैंने देखा था. बट अभी इसको देखो ये सता रही है. अभी सोने का कुछ वजन ही था फिर भी इसको अभी डांट मिलेगा. फिर करो प्लीज. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वक्त आ चुका है. अर्चना गो बैक मूवमेंट चालू शुरू है. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मैं सोया नहीं हूँ. नहीं तो ये बजता ना कुकड़ुकू. हाँ तो मैं देखो सिर्फ ये दर्द कर रहा था. जब कुकड़ुकू बजेगा तब मुझे लगा देना. हैं हम लोग धरना देने वाले हैं भाई. हमें अर्चना नहीं चाहिए. अच्छा, अच्छा मतलब वो उसको लगा कि नहीं कि वो सो रहा है ना इसलिए वो टिक्का लगाने के लिए आ रही. मतलब ऐसा मुंह कुछ ऐसा खराब करने के लिए आ रही. उसको ऐसा लगा शिव को और उसको बाद में पता चला अरे वो अर्चना के लिए कर रही है. हो गया वो क्या तुम्हें लगता है. सोते रहो अर्चना. गो बैक अर्चना. गो बैक अर्चना. गो बैक. वाओ पब्लिसिटी हो रही है बिग बॉस. फ्री की पब्लिसिटी. जाके देखते हैं इनकी मांगे सुनते हैं. चलो नेता एक अच्छा नेता वही होता है जो जनता की मांगे सुनता है. अर्चना गो बैक. अर्चना गो बैक. अर्चना गो बैक. हम रहेंगे निडर. बताओ बताओ बताओ. हम रहेंगे निडर. चलो चलो लीडर. मांगे बताओ मांगे. चेंज करो. बुली कर रहे हैं. आज तुम्हें इज्जत देगी कल तुम्हारे घर में फूट डालेगी. चेंज करो. इसको देखो ये चेंज करो कैप्टन. चेंज करो अर्चना. फुल मजे ले रहा है. अर्चना गो बैक. गो बैक अर्चना. 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 गो बैक. दिन के 12:15 बजे. अब देखो तुर रुक जा तुझे देख पनिशमेंट. आई विल पनिश यू ब्रो. बहुत मजे. तुर जो छल्ले हो ना तुम उछल्ले. वो छल्ले. आई डोंट नो. उछल्ले हो तुम. यू आर टॉकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. बहुत सही लगता है ये जब रिप्लाई करता है ना उसको. ब्रो बहुत मजे. तुर जो छल्ले हो ना तुम उछल्ले. वो छल्ले. आई डोंट नो. उछल्ले हो तुम. यू आर टॉकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. यू आर फ्लाइंग ना. Yes, yes, I'm flying. I will cut your wings. Arjuna, को गाड़ी पे बिठाओ. Arjuna, को गाड़ी पे बिठाओ. इसका कुछ अलग ही चालू है. विशाल, इसका कुछ अलग ही होता है. ये क्या था अंकित? कह रही है मुझ पे बिठाओ. Actually, इसका नाम नहीं लिया है फिर भी
लेकिन सही लगता है इसका भी, ये शांत रहता है बंदा, लेकिन जब भी बोलता है ना एकदम कुछ अलग ही बोलता है, नहीं अलग लगता है मेरे को। आजा बैठ, बैठ आना, आ बैठ, ऐसे गिराऊंगी ना जिंदगी में याद रखेगी। इसका मतलब वो समझ गए कि वो खुद गधी है तभी बैठा रही है। हाँ ठीक है मैं गधी हूँ, तू क्या है लोमड़ी, चुप रहे ना। एक्चुअली पता है क्या होता है, कीचड़ होता है ना, कीचड़ वो तू है, टट्टी होती है ना टट्टी, और उसपे डला मारते है ना तो अपने पे आती है। अगर पत्थर फेंकोगे ना तो देखो देखो पीला पीला कलर दिखेगा आपको। गंदी नाली के गंदे कीड़े हो तुम। आज तो किसी ने पूरा टट्टी कलर पहना है अच्छे से। इनकी गलती नहीं है, परवरिश है ये। तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है ना, पता नहीं तुझे पूरी दुनिया देख रही है, तो अपनी परवरिश सोच। तुम्हारी क्यों अपने इतनी अच्छी है कि गू खा लिया। कोई बात नहीं, तेरे बच्चे होंगे ना वो भी खाएंगे, टेंशन क्यों ले रही है। मेरे बच्चों को तू खिलाना आएगी क्या? नहीं वो अपना भी खा लेंगे भैया, बच्चे तो होंगे ही ना तेरे। मैंने तो सोचा तेरे बच्चों को शायद तू खिलाएगी। नहीं यार मेरे बच्चे तू टेंशन मत ले, मेरे बच्चे तो मेरे बच्चों का जो भी खाए आराम से खाएंगे। तू अपने, मेरे को अभी भी याद आ रहा है इसका, गौरी का और अर्चना का जो फाइट चालू हुआ था ना, बेसिकली वो कुछ अवोकाडो फेंका था उसने, ऐसा गौरी ने अर्चना को बोला कि तूने अवोकाडो क्यों फेंका, तो उसकी वजह से, तो अर्चना ने बोला तूने देखा मुझे फेंकते हुए, तो उसकी वजह से बहस हुआ था, फिर उस उधर से खुन्नस लेके अभी भी उन लोग झगड़ा कर रहे हैं। शादी की तेरे और के बच्चों को खाएंगे वो। दोपहर 12:15 बजे। थोड़ा सोने आई हो क्या यहाँ पे, या हराम का खाने आई हो? हाँ खाने आई हो, आपके घर का खा रही हो? नहीं तो अभी मुझे कैसे कैसे बात कर दी, आपके पापा ला के देते हैं यहाँ पे। चलो अच्छा मुझे एक बात बता, तो डिनर करोगी नहीं करोगी? नहीं करो। ठीक है तो फिर अभी तुम्हें दोपहर में खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? यस ये तुम्हारा दंड है। ओके आप यहाँ से जाइए प्लीज। हाँ आपके घर से खाना नहीं आता पहली बार? कोई बात नहीं, तुमको ये तुम नहीं हो पता, तुम्हें मान्या ये तुम्हारे संस्कार है जो बाहर दिख रहे हैं। ज्यादा बोल रहे हो आप, बहुत दिख रहे हैं सबके संस्कार। क्या संस्कार है आपके? संस्कार ये है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो। क्या हो व्हाट यारे, क्या भाई क्या हो गया है अचानक से? सातवां सोल क्या हुआ, तबीयत खराब थी इसलिए सो रहे थे? अभी इसको कंटेंट मिलेगा, सरकार पे क्यों जाती है? अभी ये फटे में टांग अड़ाएगी, अभी उसको उसको पता नहीं है, टॉपिक है आधा पता है, लेकिन अभी इसको पहले से बहुत बोला गया कि ये बहुत साइलेंट रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और सलमान खान के टाइम पे जब फर्स्ट मैंने देखा था ना, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे थे, तो मुझे बहुत ऐसा लगा था कि ये सुम्बुल बहुत अलग कैरेक्टर दिखाया था उसने जब सलमान खान के टाइम पे वो जब आई थी स्टार्टिंग में। लेकिन अभी कम से कम 2 वीक्स हुए घर में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं यार इसमें। मैं स्टार्टिंग से लगा था कि यार ये कुछ ना कुछ प्लेयर है यार, खेलेगी मजे करेगी, मजा आएगा देखने, बट लगा बोल, 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 क्या बोली, क्या बोली? इनके संस्कार दिख रहे हैं, दो दिन से तुम्हारा चल रहा है काम ना करने का यार, जो जो दिख रहे हैं। मेरा अपना ओन रीजन है, मुझे क्या रीजन है लेकिन बताना, मैं नहीं चाहती कि मेरा और कैप्टन का अपना कॉन्वर्सेशन आप प्लीज उसमें मत पड़िए। अगर खुद को सही दिखाना है ना यार, वो तुमको ये बोला ना काम कर, वो कर रहा है, वो बोला ना, वो कर रहा है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है लेना देना, क्योंकि ये 2 दिन से चल रहा है भाई। कैट फाइट देखिए, कभी देखना है जाओ। शी नोस शी इज गोइंग आउट, दैट्स द लास्ट होप दैट शी कैन डू। या आए बड़े नवाब, नहीं बनेगा इनका खा, उसकी बात कर रहा है। मान्या जाने वाली है, उसको पता है ना, और उसका इवेक्शन भी हो चुका है आई थिंक, अभी रिसेंटली एपिसोड में हुआ है। जो काम नहीं करेगा उनका कोई किसी का खाना नहीं बनेगा, ये मेरी तरफ से दंड है उनको। एक बात बताओ ना, नहीं नहीं नहीं, जब टॉपिक में बात हो रही है बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इंसान भूल जाते हैं, बिग बॉस सच देखते हैं। जब वो बोलने के लिए कुछ बता नहीं तो पलटी क्यों मार रहे हो टॉपिक? क्या पलटी टॉपिक मार रहे? बात ये हुई कि अच्छा माँ के लिए अगर अर्चना ने गाली दी, अगर अर्चना ने कुछ गलत बोला, मान्या ने बहुत मोहब्बत से बात की यार, जिम के बात बहुत इज्जत से बात की, लड़की को लड़की के साथ में हैंडल, जिम के बात कर रहा है वो, जब झगड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा ये बोल रहा है शालीन की लड़की के मैटर में मत पड़ भाई, अगर अर्चना ने कुछ गलत बोला, मान्या ने बहुत मोहब्बत से बात की यार, जिम के बात बहुत इज्जत से बात की, लड़की को लड़की के साथ में हैंडल, जिम के बात कर रहा है वो, जब झगड़ा हुआ था आप नहीं थे, मैं भाई मैं इधर थी,
मैं दो दिन से सब देख रही हूँ, सब सुन रही हूँ। तू मेरे को क्यों कुंडल दे रहा है? क्या कुंडल दे रहा है मेरे को? क्यों कुंडल दे रहा है? इधर कुंडल दिया तो तू बोल रहा है ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा है? उससे बात कर क्या, इससे क्या फिर? मैंने किससे बात कर किससे बोला? मैंने लगा हैंडल करने तो उनको क्या दिक्कत है? हाँ क्या, हाँ हाँ क्या, हाँ क्या, क्या यही बोल रहा हूँ जो मैं, ये कैप्टन है, तू समझी कैप्टन? अरे तेरे को क्या करना है उसको? तेरे को क्या करने का है? तो तेरे को क्या करना है? ये मेरी दोस्त है ना, तू कैसे बोला बीच में? सैन मत कर, इन लोग का वो रहता है, मैं देना उसको। अरे क्या अच्छा बन रहा है, मैं बीच में बोल रही हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, तुम खुद बीच में आ रहे हो। मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है? तेरे को नहीं बोलना होता गौतम, इन लोग को की काम कर, इसको कैसे क्या बोल रही है? क्योंकि मैंने तुम्हें क्लियरली, मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब भी तक लगा ना, स्टैनी का ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा अलग सा रूप नहीं दिखा है, जो है वो है, बोलता है सबके साथ, मतलब जो सही है उसको लगता है तो डायरेक्ट बोल देता है। कि अभी शालिन का जैसे कि शिव ने बोला था अभी लाइन में कि ये बहुत अलग 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 कैरेक्टर दिखा रहा है, जब से आया है तब से, मतलब पता नहीं अभी कौन सा रूप चालू है इसका, टीना के साथ कुछ अफेयर है, आई डोंट नो मैन, बट बहुत अलग खिल रहा है। बोला कि मैंने दो दिन जान रहे कि तीसरे दिन बोला है। अरे स्टैंड अचानक से बोलता कि सुंबल को क्या पड़ी है, सुंबल को जाके मान्या को बोल रही कि काम करो, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्यों बोल रही है? बनना है हाँ, क्योंकि शाह ने बोला होगा, अब तभी मैंने स्टैंड को बोला ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कर है। हाँ, उसको देना ही मत, स्टैंड को बोल चुप हो जा, नहीं नहीं नहीं, स्टैंड को रुकाते हैं, उसको कंटेंट नहीं देने देने। आपको नहीं पता संस्कार और इज्जत की वैल्यू, तो आपकी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता मेरे हाँ। संस्कारों पे कोई जगह मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे नहीं है संस्कार बिल्कुल भी, इसलिए मैंने आज तक एक गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज बीच में मत आइए, सुन बोल क्यों आई मानना के बीच में, मैंने किसी के बोलने में नहीं आई, मेरे को बढ़ना था बीच में, मैं देख रही थी दो दिन से, मेरे को बात करनी है, मेरे को जो गलत लगेगा मैं बोलूंगी वहां पे। इट्स नॉट पर्सनल, आई एम जस्ट कितना किरकिर करते रहे इन लोग, मतलब अभी तक मैंने ऐसा फाइट नहीं देखा है ना, तुम बोलो, मतलब बॉयज के अंदर ऐसा फाइट नहीं देखा मैंने, इतना मतलब चिल्ला तो स्टैंड क्यों आया बीच में, मेरे को मतलब था मैं आके बोली, उसको बीच में क्यों घुसाते हैं? और बात भी सही है यार, इसको आने का नहीं था, ये बीच में उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, और ये इसका काम भी क्या है, ये क्यों बोलेगी कि तू ये काम कर, ये कुछ है ही नहीं, कैप्टन नहीं है ना कुछ नहीं, और वो अर्चना के साइड से बोल रही है, अर्चना शायद अंकित कैसा, ये प्रियंका इधर लड़का लड़की नहीं है, इधर अगर लड़की का सीन रहता ना मैं आता भी नहीं, समझा क्या ब्रो, इधर लड़की का सीन रहता ना आता भी नहीं मैं, लड़की से बात नहीं करने का भाई, क्या बोला तूने? 10 बार बोलते भाई, हाँ अरे बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना, सुनाई नहीं दिया ना तेरे का, तेरी बात नहीं सुनाई दी, क्या बोल रहे, क्या बोल रहा, क्या वापस बोलना, क्या वापस बोलना, अरे क्या बोला, हट इधर, अरे बोलना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, इसके पास आ रहा है, एक्टिंग बिक्टिंग मत कर इधर, तो बोलना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे को सुनाई नहीं दिया, नहीं दिया ना इसलिए तो बोलता 10 बार, चल हाँ तो फिर जा, क्या किधर जाओ, तेरे को तेरे इसका घर है क्या, इसको तो भाव तलक नहीं देता, इसको प्रियंका बीच बीच में कर रही है ना, उसको भाव तलक नहीं दे रहा, तू चल, तू ले तुझसे बात ही नहीं कर रहा, तुमसे बात नहीं कर रहा, दोपहर जा, क्या किधर जाओ, तेरे को तेरे इसका घर है क्या, भाई शान भाई, ए मैं बात नहीं, मैं उससे बात कर रही हूं अभी, अच्छा हां वो सुंबुल, आई थिंक सुंबुल, माय बैड मैन, प्रियंका का आवाज नहीं था सुंबुल, मैं तुमसे बात, क्योंकि सुंबुल कभी आती नहीं ना बीच में, तो मुझे उसका नाम तक मतलब वो मैं उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो लेकिन अब अभी जो खड़ा गया था ना, इसको कुछ कुछ था ही नहीं यार, किसी से कुछ होने वाला ही नहीं था, बट ये मानने का अर्चना का चालू था, बट बीच में सुंबुल का आना, मैन ना कंटेंट भी ऐसा ले रही है ना, मतलब बहुत अलग जगह से ले रही है, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते पब्लिक यार, 12 बजे वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा रही है, और क्या तेरे ना बोलता ना, वो कर देगा जापता अच्छे से, मुझे पता नहीं इन लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया है ना, बहुत कुछ अलग बोला है उसने, आई बड़ी सन्नी का नाम लेने वाली, जानती भी है क्या सन्नी है कौन, बकवास, बिग बॉस सन्नी का आइडिया तेरी थी, पुलिस चोरी करते सामने और पकड़े जाते, अभी तूने हाथ उठा है उसी चीज के लिए, गलत के लिए, एक कोड हम लोग तो मस्ती के लिए कर रहे हैं, चॉकलेट खाली के लिए, वो चीज सामने करो पकड़े जाओ, पॉइंट वो बोल ही नहीं रहे, वो ये बोल रहे हैं उसके बारे में, बट क्या होता है, पूरा सुन ले, पूरा सुन ले, कोई चीज अगर, हां ये इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी करण भाई ने किया, भाई क्यों बोल रहा हूं, करण जौहर ने अभी जो मुद्दा उठाया था ना,
तो वो बगावत का था नहीं क्या, मतलब चोरी का, और डाका डालना बोलते हैं ना कि सामने से लेके जाना कुछ भी और चोरी छुप छुप के करना, तो उसके बारे में पूरा सुनेगा उस चीज में, पूरा सुनेगा डबल पूरा समझेगा ना, डबल कोई नहीं खेल रहा शिव, जब पूरा सुनेगा ना तब तेरे को समझ में आएगा। करण सर ने बोला ऑब्जेक्शन करना कि मुझे को हाथ लगाना है उस चीज के, वो लाइन को तू अगर तोड़ मोड़ करके एक लाइन को करेगा, करण सर खुद ही बोल रहे हैं, मैं करण सर की बात नहीं कर रहा हूँ, करण सर उसमें करण सर सही है, उन्होंने आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया एक चीज को, बताता हूँ उसी के लिए तू पलट जाता है। मैं क्या पलट रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। तूने बोला था ना ब्रो अंदर जाके लेके आया। अरे पर मैंने अभी क्या बोला है, अभी हाथ आज भी तो उठाया था तूने, हाथ किस चीज के लिए उठाया है कि वो डंबल लेकर बिग बॉस को बोल रहे हैं कि मैं मार दूंगा, उस चीज के गलत है उसकी पहली, नहीं 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 उस चीज वोट वोट किस चीज के लिए किया है तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रियंका, लिसन अगर उंगली करनी है तो मैं बहुत खुल के करूंगा, फिर सो जाओ कि तुम्हारी रातें खर कैसी खराब कर रहे हो, आप बोल रहे हो ना बोलने के बाद भी उनको सही बोल रहे हो, मैं उनकी बात नहीं, मैं शाली बोला आपको टॉपिक पता है, आपको टॉपिक पता है यार, ये देख रहा है उसका रिएक्शन देखा स्टैनी का, एक्चुअली वो बीच में आ रही है बार बार, अभी जो बहुत खुल के करूंगा फिर सो जाओ कि तुम्हारी रातें खर कैसी खराब कर रहे हो, आप बोल रहे हो बोलने के बाद भी उनको सही बोल रहे हो, मैं उनकी बात नहीं, मैं शाली बोला आपको टॉपिक पता है, आपको टॉपिक पता है, इसको कौन भेजता है, क्यों आती पता है मुझे, अर्चना मेरे पास बैठी थी, अभी टॉपिक दूसरी चल रही है, शाली बारे में बात कर रही हूं, तो अभी मत बोलो, अभी अभी जैसे स्टैन ने बोला ना तो उसने वो जो है ना उसने टॉपिक मतलब स्विच किया उसने कि आपको कुछ टॉपिक पता ही नहीं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो, मेरे पास सहमी हुई बैठी थी, अगर आते और डर लग रहा था, खास वजह से उसको पसंद नहीं, लड़की को तुमने अभी ह्यूमिलिएट कर दिया था, टॉपिक दूसरा चल रहा था, आपने बीच में मुंह क्यों मारा, मारते रहो आपकी आदत है, मारूंगी बीच में, अभी मैं भी देखो ना, मैं भी रिप्लाई दूंगा, मुंह क्यों मारा पीछे से खाली स्टैनी का रिएक्शन देखो, मारते रहो आपकी आदत है, आदत है आपकी आदत है, मैं मारूंगी बीच में, अभी मैं भी देखो ना, मैं भी रिप्लाई दूंगा, मैं भी रिप्लाई दूंगा, सबके खिलाफ भी खड़ी हो मैं टांग अड़ाएगी, डायलॉग बंद करो सुनो, आपकी एक्शन अलग है, आप ना अंदर से ना जो हो ना डबल, वो पता है मुझे किसका क्या चालू है, तो किसका क्या बीच में से हर बार का किसका भी कुछ भी, सर बात कर रहे, बड़े बड़े लोग बात कर रहे बीच में जी उसको, मैं बताती हूँ उसका, अब तो मैं बैठूंगी बैठती हो, क्या हो गया इसमें, अच्छा इसका अच्छा रहा है, इसको थोड़ा ये दोस्त है मेरा, आज अच्छा आज कपटी मन, आज ये दोस्त है जहाँ पर जो गलत होता है वही कपटी मन, दोनों दोस्त है, मैं फ्लिपर हूँ, जो सामने बोल दिया तू उसको क्यों बोल रहा है, गलत का साथ देना मेरे कभी जिंदगी में कर रहे हैं मेरा भाई, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू, तेरे लिए एक्सपेक्ट, थैंक यू मेरे भाई, तूने मुझसे एक सवाल पूछा मैंने उसका तेरे को जवाब दिया, खाना खत्म हो गया मेरा इसलिए मैं तेरे को जवाब दे रहा हूँ, जवाब तब मैं खाना खा रहा था ना, तो मैंने अभी तूने मेरे से पूछा कि डबल खेल, कैसा आदमी है यार, खाना खा रहा था और खाना खाने के बाद भी बोलता है कि तभी मैं खाना खा रहा था ना, इसलिए मैं तेरे से कुछ बहस नहीं कर रहा था फिर भी बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं बोल रहा था, नहीं कोई चर्बी नहीं आई भाई, चर्बी तो मैं कम करूंगा, कोई चर्बी नहीं आई भाई, तेरी चर्बी मैं कम करूंगा, मैं अभी भी यही चीज बता रहा हूं, जो चीज कर रही है तेरे को नहीं समझा पा, मैं कैसे तेरे को समझा पाऊंगा भाई, तेरी चर्बी करूंगा, अरे तू चर्बी कम कर, मैं उस चीज के लिए आज लुक हार्ड लग रहा है स्टैनी का, फिर भी वो जो कुर्ते के ऊपर जो चैन है ना खतरनाक लग रहा है, और जो बाल अलग ही लग रहा है, पैसे ले देता हूं मैं तेरे को, पैसे दूंगा मेरी चर्बी कम करने के लिए, मैं पैसे खर्च करता हूँ समझे, मेरे हिसाब से अगर देखो थोड़ी भी अक्ल है मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को अभी अर्चना को जाके सुलह कर देना चाहिए और बोल आई एम सॉरी यू आर सॉरी, गले लग जाए, नहीं मैं बिग बॉस को सॉरी बोल सकती हूँ उसको, तो दिस इज रियल साउंड फ्रॉम बिग बॉस, यू नो यू गेटिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, थैंक यू सो अमेजिंग टू सी एवरीबडी इन पर्सन, हैप्पी दिवाली इन एडवांस सबको, नॉर्मली हम कहते हैं कि सबको सबके फैमिलीज को हैप्पी दिवाली, लेकिन ये अब आप ही एक दूसरे के फैमिली है, तो एक दूसरे के लिए ही आपके लिए फीलिंग्स होने बहुत जरूरी है, बैड या गुड जो भी है फीलिंग्स होती हैं, तो आज हमने यहाँ जैसे कि आपने देखा है और मैं बड़ा खुश हूँ ये देखकर, इट इज केजो सिटी और यहाँ लिखा है ड्रामा गॉसिप लव सीक्रेट, वाओ, मेरे को इसके आगे का नहीं ये देखना है यार, बहुत बोरिंग लग रहा है, मतलब नहीं क्या इसके आगे का है ना पूरा मजा नहीं है यार, होप यू गाइस ये बिग बॉस का एपिसोड अच्छा लगा होगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो।
और स्टैनी का लुक कैसा था वो भी बता देना कमेंट में, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, पीस. Comme un frisson qui naît du bas du dos.